हेलो एवरीवन, माय सेल्फ जस्ट कोटावाला फ्रॉम पिक सीरीज। और पिछले देवा श्री गणेश आदिवा के ट्यूटोरियल पे प्यार दिखाने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। और आपकी प्यारी प्यारी कमेंट्स पढ़ के हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहना, ऐसे ही प्यार दिखाते रहना। सो आज जो सॉन्ग कवर कर रहे हैं वो है मोरिया रे सॉन्ग, जो कि डॉन मूवी का है, और ये भी स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, वीडियो को एंड तक देखना। ओके, सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। सो फ्रेंड्स, हम सॉन्ग की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं एक बार आपको बता देता हूँ कौन से कॉर्ड्स हमने इसमें यूज किए हैं। तो कॉर्ड्स आर जी, ई माइनर, सी एंड डी। ये चार कॉर्ड्स हमने इसमें यूज किए। सो हम सॉन्ग की फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं। सो यदि फर्स्ट लाइन इसमें कॉर्ड जो यूज किए वो है जी, एक ही कॉर्ड पूरी लाइन में यूज किया है। सो इसको हम अभी स्लोली प्ले करेंगे। तुझको फिर से जलवा दिखाना ही होगा। सो यदि फर्स्ट लाइन, नाउ मूव करते हैं सेकेंड लाइन पे। तो उसको भी स्लोली प्ले करते हैं। ये लाइन जो है फर्स्ट लाइन से बहुत मैच करती है, सिर्फ लास्ट के थोड़े नोट्स में हमने डिफरेंस इसमें आया है, लास्ट के थोड़े नोट्स में। सो वो देख लेते एक बार। अगले बरस आना है, आना ही होगा। यहाँ पे हमने लास्ट में जो तीन नोट्स है वो जी के नोट्स ले लिए। तो ना वो मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। तो ये सिंपल लाइन है, इसमें से हमने कॉर्ड यूज किया वो है ई माइनर। पहली दो लाइन में हमने यूज किया था जी और ये है ई माइनर। ओके, सो इसको स्लोली प्ले करेंगे। देखेगी तेरी राह ये। नाउ नेक्स्ट लाइन है वो भी सेम ही है, इसको हम प्ले करते हैं। सो ये लाइन है प्यासी प्यासी निगाहे। हम मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। सो ये लाइन में हमने कॉर्ड्स में थोड़े ज्यादा कॉर्ड्स यूज किए हैं, वो है डी सी और जी। ओके, सो इसको भी स्लोली प्ले करेंगे। तो मान ले तो मान भी ले कहना मेरा। सो मूव करते हैं हम नेक्स्ट लाइन पे। ये तो बहुत ही सिंपल लाइन है, सिर्फ कॉर्ड यूज किया वो है जी, सिंगल कॉर्ड है एक पूरी लाइन में। सो देख लेते एक बार। लौट के तुझको आना है। ओके, नेक्स्ट लाइन। सो ये थी लाइन। नाउ इसमें जो है वो भी हमने सिर्फ लास्ट के पार्ट में थोड़ा चेंजेस किया है, लेकिन कॉर्ड तो सेम ही है, जी कॉर्ड। ओके, सो इसको भी देख लेते हैं। सुन ले कहता दीवाना है। नाउ नेक्स्ट लाइन पे। नाउ इसमें कॉर्ड यूज किया है सी। सो हियर इट गोज। जब तेरा दर्शन पाएंगे। नाउ नेक्स्ट लाइन। यहाँ पे कॉर्ड यूज किया है दैट इज डी। सो इसको भी स्लोली देखते हैं। चैन तब हमको पाना है। ओके, सो नाउ आती है सॉन्ग की लीड लाइन, जो सबसे मेन लाइन है। सो उसको प्ले करते हैं। तो इसको हम स्लोली प्ले करते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस बार एक बार इसके कॉर्ड्स देख लेते हैं। इसमें बहुत ये लाइन में मैक्सिमम कॉर्ड यूज हुआ है, दैट इज सी डी सी एंड जी। ओके, सो हियर इट गोज। हो मोरिया 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 रे। नाउ नेक्स्ट लाइन। सेमी लाइन है,
लेकिन इसको भी हम स्लोली प्ले करते हैं। बापा मोरिया 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 रे। ओके सो यहाँ पे हमने चेंज किया है, यहाँ पे हम ई नोट से स्टार्ट कर रहे हैं और कॉर्ड्स यूज हुए हैं सी एफ सी और डी। मैंने स्टार्टिंग में मेंशन नहीं किया होगा कि हमने एफ कॉर्ड भी यूज किया, लेकिन ये सिर्फ ये लाइन के लिए कॉर्ड है, स्पेसिफिक ये लाइन में सिर्फ ये कॉर्ड यूज होता है, बाकी पूरा वो जो मेन फोर कॉर्ड्स है उसी पे कॉर्ड उसी पे सॉन्ग चलता है। ओके सो इसको भी हम स्लोली देख लेते हैं। मोरिया 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 रे। फिर से नेक्स्ट जो लाइन है वो सेम ही हम आगे सीख चुके हैं, दैट इज तो इसको भी हम एक बार स्लोली प्ले कर ही लेते हैं ताकि आपके दिमाग में ना पक्के से बैठ जाए कि ये वीडियो के बाद आप सीधा ये लाइन को प्ले कर सके, आपको फिर से वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। सो हियर इट गोस। बापा मोरिया 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 रे। सो यहाँ पे जो है वो मुखड़े का पार्ट खत्म होता है, नाउ हम मूव करते हैं अंतरे के पार्ट पे। ओके सो अंतरे का पार्ट हियर इट गोस। ये तो बहुत ही सिंपल लाइन है, फर्स्ट लाइन है अंतरे की। सो यहाँ पे कॉर्ड यूज हुआ है जी, तो इसको हम स्लोली प्ले करते हैं। हो खुशियों के दिन हो। नाउ नेक्स्ट लाइन इसको भी स्लोली प्ले करते हैं, कॉर्ड यूज हुआ है ई माइनर। के गम का जमाना। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। नेक्स्ट लाइन में थोड़ा चेंजेस है ये दो लाइन से, दैट इज लाइन थोड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, इसमें कॉर्ड यूज हुए सी एंड डी। सो इसको स्लोली प्ले करते हैं। दिल बस लेता है डी नाम तेरा। यहाँ पे देखो अपने हम एक पैटर्न बना देते हैं ताकि ये लाइन हमको इजीली बैठ जाए। हमने पहले एक यूज की ये की, देन एक की छोड़ के ये की, देन नेक्स्ट यूज की ये की उसके मिडल वाली और देन ये, एंड देन फिर से जंप किया डी नोट पे। तो ये सिंपल पैटर्न से हमने बना ली जिससे आप ये लाइन आसानी से याद कर पाए। ओके सो नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। देखा सेम ही लाइन है, लेकिन फिर से इसको स्लोली प्ले करते हैं। तेरे ही कारण है जीवन सो। नाउ नेक्स्ट लाइन है वो थर्ड लाइन से मैच नहीं करती है, नेक्स्ट लाइन डिफरेंट है। सो हियर इट गोस। तू ही तो मन में तन मन में बसा। ओके सो ये बसा है वो थोड़ा लंबा खींचा है। सो नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। ये तो बहुत ही सिंपल लाइन है, सिर्फ जी कॉर्ड यूज किया है इसमें। इसको स्लोली प्ले करते हैं। हर घड़ी में सिर्फ ये चार नोट यूज किए, जी सी और ए। नाउ नेक्स्ट लाइन पे इसको भी स्लोली प्ले करते हैं, इसमें कॉर्ड यूज किया है डी। So here it goes. ध्यान रहे तेरा। नाम वो करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। So इसमें कॉर्ड यूज किया है ई माइनर। ये लाइन हम आगे ऑलरेडी सीख चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा जो नोट्स है नोट्स के प्ले होने में बीच में डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस है। सो इसको हमें सीखना जरूरी है। सो इसको स्लोली प्ले करते हैं। मैं हूँ तेरा चाहने वाला। देखा ये जो ई है, ई की ई नोट, उसमें बहुत टाइम डिफरेंस है। तो इसको हमने स्लोली प्ले किया। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट लाइन पे। सो नेक्स्ट लाइन है, इसको हम स्लोली प्ले करते हैं।
जब तामो तेरी माला। नाउ नेक्स्ट लाइन। सो ये लाइन तो हम आगे ऑलरेडी सीख चुके हैं, फिर भी इसको स्लोली प्ले करेंगे क्योंकि इसमें कॉर्ड्स ज्यादा यूज हुए, दैट इज डी सी एंड जी। सो इसको स्लोली प्ले करते हैं। तो मान ले तो मान दे ले कहना मेरा। नाउ नेक्स्ट लाइन दैट इज सीख चुके हम लौट के तुझको आना है, ये मैं आगे सीख चुके हैं। नाउ नेक्स्ट लाइन, ये लाइन भी हम सीख चुके हैं, दैट इज सुन ले कहता दीवाना है। नाउ नेक्स्ट, नाउ ये लाइन भी हम सीख चुके हैं। ये जो पूरा पार्ट है वो फिर से वही प्ले होगा जो आगे हमने प्ले किया था, इसको स्लोली देखते हैं। जब तेरा दर्शन पाएंगे, नेक्स्ट दैट इज चैन तब हमको पाना है। नाउ फिर से आती है लीड लाइन दैट इज डी कॉर्ड, मैंने रॉन्ग प्ले किया, यहाँ पे जी आना चाहिए था, उसके लिए सॉरी। सो फ्रेंड्स, हम सॉन्ग की मेन लाइन के साथ ट्यूटोरियल को फिनिश करते हैं। नाउ जो नेक्स्ट अंतरा है वो वैसे नोट्स में तो सिमिलर है लेकिन लिरिक्स डिफरेंट है, सो उसको भी प्रैक्टिस कर लेना एक बार। और यहाँ पे जो मेन लाइन थी उसमें जो कॉर्ड्स यूज हुए वो थोड़े ज़्यादा कॉर्ड्स यूज हुए, सो इसको प्रैक्टिस करना सॉन्ग को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और आपके रिव्यूज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लविंग।